The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is cirrhosis? Liver ke andar jab cirrhosis, fibrosis, scarring ho jata hai, chahe wo daru peene se ho, chahe non-alcoholic fatty liver, yani ke NASH ho, bina daru piye, virus ke wajah se ho, toxin ke wajah se ho, hepatitis ke wajah se ho, autoimmune hepatitis ke wajah se ho, kisi bhi prakar ke liver damage ke wajah se liver mein ho jata hai cirrhosis. Cirrhosis is basically scarring, matlab scar tissue ban raha hai liver ke normal tissue ki jagah. So scarring of the liver होता है और इससे लिवर का फंक्शन, लिवर का काम हो जाता है कम, पुअर लिवर फंक्शन हो जाएगा और ये लिवर डिजीज का लास्ट स्टेज है. लास्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज होगा फैटी लिवर ग्रेड वन, फिर सेकंड फैटी लिवर ग्रेड टू, फैटी लिवर ग्रेड थ्री, सिरोसिस में फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस बढ़ता जाएगा और होगा सिरोसिस. तो सिरोसिस इज द लास्ट स्टेज. फाइब्रोसिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. स्कार टिश्यू को वापस नहीं किया जा सकता. जैसे एक चीरा मारा वहाँ स्कार आ गया तो वो स्कार को नॉर्मल टिश्यू नहीं बना सकते आप. उसको काट के, उसको ट्रीटमेंट लेज़र करके छुपा सकते हो, उसको नॉर्मल चमड़ी नहीं बना सकते. वैसे ही लिवर के अंदर फाइब्रोसिस सिरोसिस हो गया, उसको ठीक नहीं कर सकते. उसको बचा सकते हो उसको एक्सटेंसिव होने से. पहले वो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा लिवर एकदम खराब होगा, थोड़ा लिवर खराब होगा, थोड़ा यहाँ फाइब्रोसिस, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, फिर जब पूरा भर जाएगा तब आपको सिम्टम आते हैं. सो लिवर सिरोसिस एंड स्टेज क्रोनिक लिवर डैमेज के वजह से होता है, जो लॉन्ग टर्म लिवर डिजीज, लंबे समय में लिवर की बीमारी है, लंबे समय में आप लिवर की ऐसी तैसी कर रहे हैं या आपके अंदर बीमारी है, वो होता है, राइट. इसके कई तरीके के कारण हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण है वायरस, दारू और ड्रिंक, दूसरी चीज़ें होती है ओबेसिटी, मोटापा. वायरसेस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बी और सी सिरोसिस करते हैं, हेपेटाइटिस ए ई सिरोसिस नहीं करते, राइट. बी सी करते हैं, राइट. बी सी, राइट. दूसरा सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल. दारू पीना, रेगुलर दारू पीना, लंबे समय दारू पीना, सिरोसिस होता है, फाइब्रोसिस होता है. थोड़ा थोड़ा करके उसको चेक कर सकते हैं फाइब्रोस्कैन से. थर्ड कारण है बिल्डअप ऑफ फैट. बहुत सारा खाना खाते हो, बहुत सारी रोटी खाते हो, बहुत सारी शुगर खाते हो, मोटे होते जा रहे हो, पेट आते जा रहा है, तो लिवर में भी फैट तो होगा ही जमा. लिवर में इतना फैट है कि वो कर रहा है आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. फिर उसके बाद हो गया नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, गप स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, फैटी लिवर बन, फैट सिरोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है. तो मात्र ओवरवेट होने की वजह से आपका लिवर खराब हो सकता है लंबे समय में. साथ ही और रिस्क फैक्टर डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, राइट, गंदी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सोते रहना, बैठे रहना, ये सब चीजों से. और कम कॉमन है दूसरे कारण भी है, लेस कॉमन रीजंस ऑफ फैटी, ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर. इम्यून सिस्टम, यानी आपका खुद इम्यून सिस्टम जब ऑटो इम्यून डिजीज से लिवर को डैमेज कर रहा है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, दैट इज वेयर इट कैन हैपन, वो होता है. दूसरा बाइल डक्ट डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर जहां से बाइल निकालता है, अगर गॉल ब्लैडर खराब हो गया, स्टक हो गया, कोलेस्टेसिस हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसके वजह से बैक प्रेशर से, लिवर में बैक प्रेशर है, लिवर के अंदर बैक प्रेशर से प्रेशर बढ़ रहा है, उसके वजह से भी लंबे समय में हेपेटाइटिस हो सकता है, बिलरी हेपेटाइटिस, और उसके वजह से आपको सिरोसिस हो सकता है अगर आप बाइल डक्ट में प्रॉब्लम को ठीक नहीं करें तो. कुछ दवाओं से भी हो सकता है, घपा घप पेन किलर खाने वाले लोग, घपा घप पैरासिटामोल खाने वाले लोग, घपा घप चॉकलेट समझ के एंटीबायोटिक खाने वाले लोगों को ये हो जाता है. वो एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए है, जब जरूरत पड़े तब, रोज खाने के लिए नहीं होता है. मिनिमम दवाई खानी चाहिए एज सच रीडेड. लिवर डिजीज फैमिली भी होती है, इनहेरिटेड भी होती है, मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है आपके फैमिली में, जीन्स है अगर उसकी तो हो सकता है आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो लिवर की इस तरह की सिरोसिस वाली बीमारी का. मतलब क्या होगा उसका, कि अगर आपके जिंदगी में, लिवर में, आपकी फैमिली में कई लोगों के लिवर इस तरह खराब हुए हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपके केस में आपको ज़्यादा दारू पीने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी दारू से लिवर खराब हो सकता है. ये आपके प्रीडिस्पोज, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, किसी की सेंसिटिविटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो दिस इज हार्मफुल, रिमेंबर दिस. सिम्टम क्या आएगा, अब
फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहलिक फैटी लीवर में कोई सिम्टम नहीं था, इस सिचुएशन में लीवर खराब हो चुका है, ये फाइनल स्टेज है, ये सिरोसिस है, अब आएगा आपको सिम्टम जोरदार। लेकिन इसके भी इनिशियल स्टेज में, सिरोसिस के इनिशियल टाइम में जब थोड़ा थोड़ा सिरोसिस है तब सिम्टम नहीं आएगा, राइट। जब भर जाएगा सिरोसिस, जब फाइब्रोसिस ज़्यादातर हिस्से में हो जाएगा, लीवर स्टिफ होता जाएगा, तब आएगा। ये स्टिफनेस अल्ट्रासाउंड पे भी दिखती है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो, रेगुलर फाइब्रोसिस भी कर फाइब्रोस्कैन भी कर सकते हो। होगा क्या, लीवर का काम है खाना पचाना, खाना सही से पचेगा नहीं, एनर्जी कम मिलेगी, लॉस ऑफ एनर्जी, फटीग, खाना भूख नहीं लगेगी, भूख कम होगा, वजन कम होगा, खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो उल्टियां आएंगी क्योंकि गैस बनेगा अंदर ही अंदर, एसिड एसिडिटी बढ़ती है क्योंकि बाइल जो है वो भी लीवर बनाता है। लीवर बाइल कब बनाएगा, आप जो भी तला हुआ खाओगे या थोड़ा बहुत भी फैट होगा वो सही से पचेगा नहीं, तो नौजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, पेट में दर्द हो सकता है, और लीवर बनाता है खून के क्लॉटिंग फैक्टर्स, खून के क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम आएगा, छोटे छोटे रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स आएंगे, छोटी छोटी ब्लीडिंग होगी, जिसको कहते हैं स्पाइडर, रेड स्पाइडर जैसी ब्लड वैसे स्पाइडर निवाए, स्पाइडर निवाए क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग खराब हो रही। सो लीवर और खराब होगा, और खराब होगा, लीवर पानी छोड़ने लगेगा, जैसे एक चोट लगती है पानी निकलता है, मच्छर काटता है सूजन होती है पानी निकलता है, इन्फेक्शन होता है पानी निकलता है, वैसे ही लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, पानी छूटेगा, छूटेगा तो पेट में पानी जमा होने लगेगा, पेट में पानी होगा असाइटिस, वही पानी हवा हैवी हैवीनेस, पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर में आने वाली जो खून की नस है उसको स्टिफनेस महसूस होगी कि लीवर इतना इतना टाइट क्यों है, कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ जा ही नहीं रहा, तो बैक प्रेशर आएगा पैर में पूरा, पैर और नीचे और इंटेस्टाइन और गट, तो पेट से भी इंटेस्टाइन से भी पानी छूटेगा और जो पैर है उसमें भी भरेंगे, तो पैरों में सूजन आएगी, पेट में सूजन आएगी, ये सारे सिम्टम समझ आ रहे हैं, ऐसे होंगे। फिर लीवर का काम है बिलीरुबिन बनाना, और बिलीरुबिन जो है वो फिर आपके इंटेस्टाइन गट में जाता है, वो जाएगा नहीं, लीवर खराब हो रहा है तो बिलीरुबिन बैक आके वापस आएगा खून में, तो खून में जो बिलीरुबिन आ रहा है उसकी वजह से आपको हो जाएगा जॉन्डिस, येलो कलर, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी आँख में ये जो वाइट वाइट है यहाँ पे होगा येलो कलर, और इवन पाम येलो, जबान नहीं तो येलोनेस आनी शुरू हो जाती है हर जगह, जितनी ज़्यादा पहले आती है इधर, वो भी ऊपर साइड में पहले आती, ऊपर ऊपर साइड में, उसको भी नेचुरल लाइट में देखेंगे तो समझ आता है, येलो लाइट में देखेंगे तो येलो ही दिखता है सब, राइट, वो डॉक्टर का काम है, ठीक है। फिर पाम में भी ब्लीडिंग हो सकती है, छोटी छोटी कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर लीवर के काम है हॉर्मोन्स बनाना, तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होंगे, एंड्रोजेंस कम होंगे, टेस्टिकल्स छोटे छोटे हो जाएंगे, ब्रेस्ट स्वेलिंग आएगी, गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा, ईस्ट्रोजन गायनेकोमास्टिया, इम्पोटेंस यू आर नॉट यूजफुल एनी मोर, इम्पोर्टेंस हो जाएगा, राइट, ईजी ब्रूजिंग होगी, आराम से चोट लगेगी, खून बहने लगेगा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ऑफन आपके जो कि देखो लीवर में आने वाली हर एक खून की नस में प्रेशर आ रहा है, तो बैक प्रेशर जाएगा, तो कहीं से भी जहाँ पर लीवर में आ रहा है यानी पूरे इंटेस्टाइन से हर चीज़ जो आप खाते हो पहले लीवर को जाती है चेकिंग के लिए कि इसमें कोई टॉक्सिन तो नहीं है, टॉक्सिन है डिटॉक्सीफाई करो फिर ब्लड में जाओ, तो ये पूरा सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सारी की सारी वेन्स फूल जाती हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन से मुंह से लेके लैट्रिन के रास्ते तक एनस तक वेन सूज जाती है, मतलब इसोफेगस में होगा वेराइसिस, सूजी नसें, ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पर, नीचे रेक्टम में पाइल्स हो सकता है, रेक्टम और नीचे जहाँ एनस के पास पाइल्स हो सकता है, पेट के ऊपर भी सूजी हुई नसें आ सकती हैं, छोटी छोटी नीली नीली धारियाँ आ सकती हैं, ये नीली नीली धारियाँ होती हैं जो आपको ऐसे इस तरीके का दिखने भी लग सकती हैं, ये सब सूजन हो रही है खून की नसों में, राइट। इसी के साथ लीवर का काम है अमोनिया को डिटॉक्सीफाई करना, अमोनिया कहाँ से बनता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन खाते हो अमोनिया बनता है, एक्सरसाइज करते हो अमोनिया बनता है, लीवर डिटॉक्सीफाई करता है, वो नहीं कर पाएगा, अमोनिया बिल्डअप होगा, अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन में गया, अमोनिया आपको करेगा बौखलापन, कन्फ्यूजन, थिंकिंग प्रॉब्लम, उल्टे सीधे गालियां गलोच, जिनको जिनके घर में सिरोसिस वाले पेशेंट है वो समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होता है, पेशेंट हेपेटिक एंसेफलोपैथी में जाता है, उसके वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके वजह से ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट के टैबलेट्स लेते हैं, कई बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है बहुत सारी, राइट। और क्योंकि लैट्रिन में बिलीरुबिन नहीं जा रहा, सोचो खून में जा रहा है तो बिलीरुबिन ही तो पीला कलर देता है, तो लैट्रिन कैसी आएगी, वाइट क्ले, पेल कलर की, सफ़ेदी, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होती जाएगी, जितना ज़्यादा बिलीरुबिन कम होगा उतना ज़्यादा सफ़ेद, काली भी हो सकती है, एकदम काली डांबर ऐसी, बिल्कुल ऐसी काली आ गई, मतलब उसमें ब्लड मिल के आ रहा है, मतलब ऊपर के कहीं से खून बह रहा है और सब जगह चर्निंग होके पेट में वेट में चर्निंग होके काला हो गया है, पूरी लैट्रिन ही काली आ रही है, ब्लड इन लैट्रिन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग,
अपर जीआई, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मलीना बोलते हैं. लोअर टाइम से होगा, पाइल्स से होगी ब्लीडिंग, तो फ्रेश ब्लीडिंग होगी, लाल रंग की ब्लीडिंग आएगी, क्लॉट आएगी, लेकिन लैटरिन के साथ मिलके काली लैटरिन नहीं आएगी. ऊपर से होगी तो लैटरिन के साथ मिलके आएगी, ऊपर से होगी तो एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी खून की नसों को क्लॉट वहां पे क्लैम्प करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लीडिंग से मर जाओगे. खून की उल्टी आएगी, ब्लीडिंग से मर जाओगे. नीचे पाइल्स होगी, पाइल्स को भी क्लैम करना पड़ेगा, कुछ तो ईवीएल करना पड़ेगा, सर्जरी प्रोसीजर करना पड़ेगा अगर एंड स्टेज आ गया तो. देखो कितनी खतरनाक सिचुएशन है. पर डायग्नोस कैसे करेंगे इसको यार? इसको डायग्नोस करने के लिए यही सारे साइन देखे जाते हैं. लिवर में सूजन है क्या, स्प्लीन में सूजन है क्या, ब्रेस्ट टिश्यू बड़ा है क्या, पेट में सूजन है क्या, असाइटिस, पेट में पानी भरा है क्या, पैरों में पानी भरा है, छोटे छोटे रेड स्पॉट्स है क्या, पाम रेड है क्या, जॉन्डिस है क्या, टेस्टिस छोटे तो नहीं है, वेन्स बड़े हैं क्या पेट के ऊपर, ये सारी चीज़ों से समझ में आता है. फिर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, लिवर फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन, पीटी आयनर, खून का क्लॉटिंग का टाइम ज़्यादा तो नहीं है, लिवर फंक्शन में गड़बड़ तो नहीं है, अल्ब्यूमिन लेवल कम तो नहीं है, लिवर अल्ब्यूमिन बनाता है, लिवर खराब होगा तो अल्ब्यूमिन कम होगा, अल्ब्यूमिन कम होगा तो भी बॉडी में सूजन आएगी, हाइपोप्रोटीनीमिया से भी सूजन आती है. ये सारे के बाद सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और एमआरआई स्कैन, ये सब किया जा सकता है लिवर को स्टडी करने के लिए. यहाँ तक के लिवर में बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है देखने के लिए, लिवर का टुकड़ा लेके कैसा है लिवर, इतनी जोरदार बीमारी है. ट्रीटमेंट, दारू पीना बंद करो, हेल्दी डाइट लो, सॉल्ट कम करो, नमक कम खाना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, फैट कम खाना है, थोड़े प्रोटीन भी कम खाने हैं, ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते, राइट. वैक्सीन लगाओ इन्फ्लुएंजा की, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और न्यूमोकोकस की. डॉक्टर से अपने बात करो, दवाइयाँ बंद करो, जो भी हर्ब्स, जड़ी बूटी, चूरन, जो भी जिसमें भी खतरनाक सप्लीमेंट्स है, कई बार उनमें ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हैवी मेटल्स होते हैं जो लिवर डैमेज कर रहे हैं, बंद करो. एक्सरसाइज करो रेगुलरली, हैवी एक्सरसाइज नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज थोड़ी बहुत. अंडरलाइंग कॉज ढूंढो कि क्या कॉज है आपके फैटी लिवर, आपके सिरोसिस होने का, क्या वो हेपेटाइटिस है, क्या वो दारू है, क्या वो कोई दवा है, क्या वो सिर्फ मोटापा है, वजन कम करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो. ऐसे सिचुएशन में जब अत हो जाती है, ये सारे सिम्टम आते हैं, तो दवाई दी जाती है शरीर से पानी निकालने के लिए, डायूरेटिक वाटर पिल दी जाती है, ताकि ये जो फ्लूइड पेट में, पैरों में सांस फूलने भी लगे वो बंद, वो ठीक हो, क्योंकि खून की क्लॉटिंग कम हो जाती है. विटामिन के दिया जाता है, कभी कभी ब्लड देना पड़ता है, कभी पी आरबीसीज या सॉरी प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP. दवाइयाँ दी जाती है जैसा मैंने कहा, मेंटल कन्फ्यूजन, अमोनिया कम करने के लिए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन भी आसानी से हो सकता है तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एंडोस्कोपी करके जो ब्लीडिंग हो रही है वहाँ रोकी जा सकती है, और कई बार अगर वहाँ से बार बार ही फ्लूइड आ रहा है तो टिप्स करके एक पाइपलाइन, एक शंट डाला जाता है, ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट, वो डाला जाता है, जिससे कि आपका जो वहाँ प्रेशर है, बाहर आने वाला जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, लिवर के अंदर आने वाला प्रेशर, उसका कुछ प्रेशर डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि आपके वहाँ वेराइसिस और ब्लीडिंग से ना मर जाओ. वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, ये सब कराने पड़ते हैं. अगर इतना हो गया तो उसके साथ जीना, खराब होगी गाड़ी तो या तो बदलो, लिवर ट्रांसप्लांट करो, या इन सबको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. पेट में से पानी भी निकालना पड़ता है, पैरासेंटेसिस, कभी ट्रीटमेंट के लिए, कभी टेस्टिंग के लिए, राइट. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट. नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट, कोई और ऑप्शन नहीं है, सीधी बात, राइट. ज़्यादातर लोग जो यहाँ तक पहुँचते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनका दिक्कत होती है, वापस पूरा ठीक नहीं होने वाला लिवर. यू कैन लिव विद इट, नहीं तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग करके कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके वजह से पेट में सूजन आ सकती है, वो पानी भरेगा, पानी में इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस बहुत खतरनाक, उसके वजह से जान जा सकती है, ईसोफेगस से या पेट के अंदर या नीचे लैटरिन के रास्ते से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, और हेपेटोरीनल सिंड्रोम, इसके वजह से किडनी खराब हो सकती है, इसके वजह से लिवर में कैंसर भी डेवलप हो सकता है. एनसेफलोपैथी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. प्रिवेंशन एक ही है, दारू कम पियो, हैवी वे हैली उल्टी सीधी दवाएं रेगुलरली मत खाओ, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई दवा सेफ नहीं होती. रिमेंबर दिस, जो रेगुलरली आप अपने घर में अपने छोटे बच्चे को नहीं दे रहे, जो आपके घर में सब नहीं खा रहे, वो सेफ नहीं है, रिमेंबर दैट. सो सेफ नहीं होती है कोई भी दवा का, जीरो साइड इफेक्ट नहीं होते, होते हैं. सो कोई भी दवा उल्टी सीधी बिना ज़रूरत के मत खाओ, उल्टे सीधे ड्रिंकिंग मत करो, और लिवर के इन्फेक्शंस को ठीक करो, लिवर की रेगुलर टेस्टिंग कराओ. इससे ज़्यादा नॉलेज एक वीडियो में सिरोसिस का कोई नहीं दे सकता. अब आप
एक कोई भी अगर सवाल हो तो जरूर पूछिए, अगर नहीं समझ आया तो वापस जाके फिर से देखिए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ पेशेंस विथ मी एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.